हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण प्रबंधन पर संक्षेप टिप्पणी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी पर्यावरण प्रबंधन। पर्यावरण एक जटिल प्रक्रिया है। पर्यावरण प्रबंधन द्वारा मुख्यतः पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणालियों का अनुरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण, व्यर्थ पदार्थों का पुनः उपयोग, भूमि अपघटन का नियंत्रण तथा जैव प्रजातियों एवं पर्यावरणीय संयंत्रों का सतत उपयोग इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। प्रबंधन का अर्थ होता है कि विविध वैकल्पिक सुझावों में जैव प्रजातियों एवं पर्यावरणीय यंत्रों का सतत उपयोग इत्यादि कार्य संपन्न होते हैं। प्रबंधन का अर्थ है कि विविध वैकल्पिक सुझावों में से जागरूकता पूर्ण चयन, जिनमें से मान्य एवं वंचित लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता हो, प्रबंधन के अंतर्गत वास्तविक अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित रणनीति एवं रणनीतियों को सुविचारित स्वीकृति से समृद्ध किया जाता है। इसमें दीर्घकालीन चयनों के संरक्षण के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए। पर्यावरण के प्रबंधन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। दोस्तों, व्यक्ति अथवा समाज की वरीयताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन के अनेक प्रकार के उद्देश्य होते हैं। समानता पर्यावरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना है। पर्यावरण गुणवत्ता का विश्लेषण भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। पर्यावरण प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों निम्न प्रकार से हैं। पहला, सौंदर्य प्रसाधनों, मनोरंजन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करना, उत्पादन और नवीनीकरण के संतुलित चक्र के माध्यम से उपयोगी वनस्पतियों पदार्थों के अनावृत उत्पादन सुनिश्चित करना। पर्यावरण प्रबंधन के मुख्य अंग पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल स्टेटस इवैल्यूएशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल असिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पद्धति यानी EMS ISO 14000 पर्यावरण पद्धति संबंध। यद्यपि संस्थाएं पर्यावरण का ही अंग है होती हैं, फिर भी वे पर्यावरण पर प्रभाव छोड़ती हैं। प्रत्येक व्यवसाय अपने अपने प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण प्रबंध पद्धति का मुख्य उद्देश्य संस्थानों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने तथा कम करने का मार्गदर्शन करती है। पर्यावरण प्रबंध पद्धति का विकास यानी इवोल्यूशन ऑफ EMS विश्व के विभिन्न भागों में हुई दुर्घटनाओं एवं पर्यावरण जागरूकता के कारण विश्व स्तर पर प्रदूषण कम करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। वर्ष 1993 में मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस की मात्रा को कम करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का मुख्य प्रभाव निम्न प्रकार से: जंगलों की समाप्ति, ओजोन परत का नष्ट होना, अम्ल वर्षा एवं बंजर भूमि का बढ़ना, पादप ग्रह प्रभाव। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से बहुत से अधिनियम समय समय पर बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO की एक नीतिगत सलाहकार समिति स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑन एनवायरमेंटल सेज स्थापित की गई। इस समिति ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया गया। थैंक्स फॉर शेयरिंग।